हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पर जो ऑडियंस है आजकल आपकी जो वीडियोस हैं, जो भी आप डालते हैं, उन वीडियोस की क्वालिटी को देखती है, और सेकंड नंबर पे आपकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो चेक करती है वो कैसी है। अगर वो उन्हें पसंद आती है तभी वो आपको सब्सक्राइब करती हैं, आपकी ऑडियंस आपको व्यूज़ देती हैं, और आपका चैनल जो है वो एकदम से ग्रो होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सबसे बेस्ट माइक लेके आया हूँ, उसकी मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा और साथ में उसका रिव्यू भी करूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में लाइव सब कुछ करके। तो जो मैं आपके लिए माइक लेके आया हूँ उसका नाम है बोया माइक, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये बोया BY-M1 का माइक है ये, और इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है वॉइस की। और इसमें जो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ये बजट फ्रेंडली है, मतलब आपका ये 600-700 रुपए में ही आपको मिल जाता है एक अच्छा माइक, अच्छी क्वालिटी का माइक, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं इस माइक को अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और आपकी जो वॉइस है उसमें आपको काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा आपको ऑडियंस से अपनी। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसकी सारी चीज़ों को मैं आपको रिव्यू भी करूंगा कि ये किस तरीके की है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अमेजोन से एक बोया माइक ऑर्डर किया था, वो मेरे पास आ गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अमेजोन की पैकिंग से निकाला है सिर्फ। आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसके सारे फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा, रिव्यू भी बताऊंगा इसका कैसा है। तो इस वीडियो को बने रहिए। ये आप देख सकते हैं इसके साथ एक ये बिल मिलता है हमें, ठीक है, जब इसे ऐसे अनबॉक्सिंग करते हैं। और उसके बाद इसको हम निकाल देते हैं और बिल को भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोया का बॉक्स है, ये माइक का आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो उसके लिए सबसे बेसिक सा एक इसमें मैं आपको एक ही टिप बताऊँगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बोया लिखा हुआ है, तो अगर ये फेक होता तो यहाँ पर बोया के साथ में ए के ऊपर आपको आर भी दिखाई देता। तो आपको अगर बोया के साथ में आर दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वो एक फेक है, वो ओरिजिनल पीस नहीं है। तो ये एक ओरिजिनल पीस है, यहाँ पे बोया लिखा हुआ है सिर्फ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और इसमें दूसरी जो चीज़ है वो है ये सिक्योरिटी, जो इसका ये बारकोड है, इसमें आपका बारकोड जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो ये पैकेट, ये बॉक्स जो आपके पास आया है वो ओरिजिनल है या फेक है। उसके साथ साथ यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये बोया लिखा हुआ है उसमें यहाँ पे आर लगा होगा जो फेक होगा, यहाँ पे ये ओरिजिनल है इसलिए इसमें बोया लिखा हुआ है। और इसमें नीचे जो ये प्रो ऑडियो सीरीज़ ये जो लिखा हुआ है वो भी वहाँ पे डिफरेंट लिखा होता है फेक वाले में। तो ये इसकी आप पहचान कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये BY-M1 जो इनका मॉडल है बोया माइक का, तो ये वो मॉडल है BY-M1, और ये YouTube वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे चीप होता है इसलिए ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप इसके फीचर्स भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये DSLR, आप कैमकोडर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC, स्मार्टफोन्स, किसी से भी कनेक्ट करके अपनी वीडियो बना सकते हैं इसमें। और ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, हाई क्वालिटी वीडियोज़ आपको मिलती हैं, ठीक है, जो नॉइस होता है लो हैंडलिंग नॉइस है इसमें। उसके बाद नीचे आप इसकी सारी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है कि इसकी डेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, वेट, डायमेंशंस, सारी चीज़ें आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पे, ये इसकी पैकिंग है, तो हम इसे अब ओपन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और उसको कैसे कैसे इसको असेंबल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम ओपन करेंगे, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है। तो ये यहाँ से पकड़ के आप इसे इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हम इसे
निकाल लेते हैं सारी चीज़ों को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एक ये मैनुअल मिल जाता है आपको, कोई भी दिक्कत आती है आप इसमें से पढ़ के भी इसे असेंबल कर सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे आपको लगाना है, इसमें फिक्स करना है, तो ये इनका एक मैनुअल मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक साल की वारंटी है इसकी, शायद इस पर लिखा होगा बॉक्स पर एक साल की ही है, ठीक है, तो ये इसका वारंटी कार्ड है। उसके बाद इसमें एक ये पाउच मिल जाता है ब्लैक कलर का, और इसमें कुछ नहीं है अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ब्लैक कलर का पाउच आपको मिलता है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एक क्लिप है इसके अंदर, और एक यहाँ पे एक कनेक्टर है, और एक यहाँ पे ये आपको वाइंड के लिए मिला हुआ है कि अगर आप रिकॉर्डिंग करते वक्त आपकी जो वीडियो है उसके अंदर हवा आती है, मतलब आप ऐसी जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जहाँ हवा चल रही है, तो ये इसको लगाने से वो चीज़ आपकी वीडियो के अंदर नहीं आएगी। और उसके साथ इसमें एक सेल दिया हुआ है, और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका माइक्रोफोन है, इसकी केबल है, और इसमें लगभग 20 फुट की केबल है, ये 20 फुट की केबल है इसमें दे रखी है जो, और ये कनेक्टर है जो आप स्मार्टफोन से यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन में लगा के रिकॉर्डिंग के लिए। और देखते हैं इसमें क्या है, और इसमें एक ये ऐसे ही दिया हुआ है, तो ये इसका स्टिकर है बोया का, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ, इसको खोलेंगे हम, ठीक है, इसमें ये आपको मैं अलग से दिखा देता हूँ, ये कनेक्टर है इसका, ठीक है, जो अभी मैं आपको लगाऊंगा, ये इसका सेल है जो अंदर लगता है इसके अंदर, इसके अंदर जो आप यूज़ करेंगे जब लगता है, और ये आपका वो एयर रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, आपका ये एयर के लिए है, ये भी लगा के दिखाऊंगा मैं, सारी चीज़ें यहाँ पे असेंबल करेंगे। और यहाँ पे ये एक कनेक्टर है इसका, अगर आप इसे कैमरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो इसकी केबल है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे निकाल देंगे। और इसमें ये इसका कंडेंसर है, आप देख सकते हैं ये कंडेंसर है इसका, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए कैमरा ऑफ एंड स्मार्टफोन, मतलब अगर आप ऊपर करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, और कैमरे में आपको सेल जो दे रखा है, ये सेल डाल के इसमें यूज़ करना पड़ेगा कैमरे के लिए, मगर अगर आप स्मार्टफोन से बना रहे हैं अपनी वीडियोस तो आपको नीचे करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऑफ स्मार्टफोन, मतलब आपका वो ऑफ हो गया, और आपका कंडेंसर आप बिना सेल के भी स्मार्टफोन से अपनी वीडियोज़ को इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइम आपका वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, वो सिर्फ कैमरे के लिए है ये, ठीक है, तो इसको डालना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से डालते हैं। तो अभी इसे खोल लेते हैं, तो ये इस तरीके से निकल जाता है सेल, ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये इस तरीके से खुल जाता है, ये इस तरीके से खुल गया, और यहाँ पे ये निशान है स्प्रिंग का भी है, दे रखा है आप देख सकते हैं, तो मैं इसको इसमें फिक्स कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से इसमें लग गया, और वापस इसका जो कवर है वो हम दोबारा से इसे बंद कर देते हैं, तो ये इस तरीके से लग गया है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप इसे कैमरे पे चलाएंगे तो कैमरे पे जब ऑन करेंगे तो आप इसकी केबल को इस वाले कनेक्टर से कनेक्ट करके अभी आपके कैमरे या किसी भी डिवाइस में लग सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्मार्टफोन्स पे रखना है तो इसको आप नीचे कर देंगे, जैसे आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कनेक्ट करके, तो इसे नीचे कर देंगे और इसे हटा के आप अपने स्मार्टफोन पीसी नॉर्मल जो होता है ये उसमें लग सकता है अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कनेक्टर है, इसको भी निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ कनेक्टर निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके का है ये, ठीक है, तो इसको भी लगा के दिखाऊंगा मैं, उससे पहले ये है इसको भी लगा देते हैं, ये जो हमने माइक पकड़ा है ये हमारा माइक है, ये आप देख सकते हैं माइक इस तरीके से है, तो हम इसके अंदर इसे लगा सकते हैं। पहले मैं आपको कनेक्टर लगा के दिखा देता हूँ, कनेक्टर इस तरीके से, यहाँ जो इसकी सबसे नीचे का जो पॉइंट है उसके ऊपर आपको
उसके ऊपर आपको इसे ऐसे कनेक्ट कर देना है हल्का सा पुश करके, ये इस तरीके से। आप देख सकते हैं अब ये फिक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये फिक्स हो गया इसमें, ठीक है। आप इसे रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे ये जो है, इस फॉर्म को भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरीके से आराम से इसे एडजस्ट कर दें, ये परफेक्ट एकदम, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी ये फुल, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका माइक तैयार हो गया है, इस तरीके से ये लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई अब, ठीक है। इसमें कैसे कैसे वर्क करता है, ये आपकी केबल है, जितनी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी ऑडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, खुद लगा के ही दिखा दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें हैं और ये आप वीडियोस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है। सबसे बेस्ट माइक है ये यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, या ब्लॉगर हैं या किसी भी चीज़ के लिए, और अच्छे बजट में है, कम बजट में है आपका ये। तो फ्रेंड्स, अब आप देख ही रहे हैं कि ये मेरी जो इसकी क्वालिटी है वो इसकी, मैं इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ, और आपको जो मेरी आवाज़ आ रही है वो आप देख सकते हैं कितनी साफ़ आ रही है, क्लियर आ रही है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे जो भी वॉइस आती है वो बहुत ही क्लियर आती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसी को यूज़ करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस माइक को ज़रूर परचेज़ करेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट है ये लो कॉस्ट है। 600-700 रुपये में आपको अच्छा सा माइक मिल जाएगा और आपकी वीडियोज़ जो हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, वॉइस क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।